ई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। जय हो भोजपुरिया। जहां नाच की रिपोर्ट में रोवा लोग हम ही बतावे जा रहा बानी की सुपर स्टार पवन सिंह के शादी 6 मार्च की भरी, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही बाद सुपर स्टार पवन सिंह के आंख में आंसू आ गई। जी हाँ भैया, ये आंसू आवे के कारण ये भई रहे भैया कि सुपर स्टार पवन सिंह के पहलका पत्नी के याद आ गई। जी हाँ भैया, आप सब बता दी कि 8 मार्च के दिन ही नीलम सिंह जी 8 मार्च 2015 मुंबई में सुसाइड के लिए रही। जी हाँ भैया, 8 मार्च के ही वो अशुभ दिन रहे जब सुपरस्टार पवन सिंह की जिंदगी में अंधेरा छा गए। सुपरस्टार पवन सिंह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, सदमा लागल रहे कि आखिर हमारा लाइफ में ऐसा घटना कैसे घट गई। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए रहन सुपरस्टार पवन सिंह। 2 से 3 महीना तक उनका कोनो फिल्म के शूटिंग में मन ना लागत रहे, ना ही कोनो स्टेज शो ढंग से कर पावत रहन। यही सदमा उनका पवन सिंह के माई के भी लागल रहे कि आखिर घटना कैसे घट गई। काहे कि नीलम सिंह खुद सुपरस्टार पवन सिंह जी के बड़े भाई के साली रहे, उनका से शादी के लिए रहन, बड़ा ही धूमधाम से शादी भई रहे। उस शादी के पूरा लुक जानेला, पूरा जवाहर के इनवाइट के रन, पूरा बिहार यूपी के दर्शक इनवाइट के रन। सुपरस्टार पवन सिंह वो शादी में बहुत ज़्यादा जम के नाच रहन, खुल के नाच रहन, सब कुछ कैले रहन। लेकिन वैसा दुखद घटना भइल कि 8 मार्च 2015 के दिन सुपरस्टार पवन सिंह के पत्नी सुसाइड के लिए नीलम सिंह की। जी हाँ, लेकिन फिलहाल में 6 मार्च के सुपरस्टार पवन सिंह के शादी भइल वो बलिया के रहे वाली ज्योति सिंह से। लेकिन ओकर दूसर के ही दिन बाद सुपरस्टार पवन सिंह के अपन पहलका पत्नी के याद आ गई, और याद करते हुए सुपरस्टार पवन सिंह के आंख में आंसू आ गए। तो भी आप सब की रिपोर्ट के सुना कमेंट करके बताइए, साथ साथ वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी। और भोजपुरी में हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के सब्सक्राइब ना भूलो।